ओम श्री परमात्मने नमः। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्राभि सिंह। स्वागत है आप सबों का रुद्रा एनर्जी हीलिंग एंड योगा होलिस्टिक सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, हमारा आज का विषय है स्पर्श ध्यान, सारी मुश्किलें आसान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पर्श ध्यान के ऊपर। हालांकि आज हम स्पर्श ध्यान नहीं करेंगे, आज इसके बारे में तथ्य, इसके विचार कैसे काम करती है, क्या है स्पर्श ध्यान, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। दर्शक मित्रों, स्पर्श में बहुत ताकत होती है, इससे आप लोग रूबरू होंगे, क्योंकि बच्चा जब माँ का स्पर्श का पाते ही बच्चा उसे उस स्पर्श को तुरंत पहचान जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि बच्चे की जो माता है, उनके माँ के अतिरिक्त अगर कोई और व्यक्ति उसे स्पर्श करे तो वह रोने लगेगा, लेकिन जो ही माँ का स्पर्श बच्चा पाता है वैसे ही वह शांत हो जाता है और उसकी गोद में समा जाता। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के स्पर्श को पहचानता ही नहीं, अपितु माँ का स्पर्श बच्चे को आनंद प्रदान करता है। ठीक इसी क्रम में, इसी के सहारे वह चलना, बोलना, हाथ पांव चलाना आदि सीखता है। इसी प्रकार ठीक बीमारी के केस में, डिजीज के केस में, बीमारी की ही हालत में भी कोई अपने खास व्यक्ति का स्पर्श व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है और उसे जल्दी ठीक होने की प्रबल इच्छा जागृत हो उठती है, या फिर कहे वह उस बीमारी को हराने के लिए, उस बीमारी से मुक्त होने के लिए उसके अंदर एक प्रबल इच्छाएं जागृत हो जाती है और कहीं ना कहीं उसको पोटेंशियल मिलता है कि नहीं, अब हम स्वस्थ होने जा रहे हैं। दोस्तों, यही ध्यान की विधि, यही स्पर्श शक्ति से प्रादुर्भाव हुआ स्पर्श चिकित्सा अर्थात रेकी मोडालिटी का। हालांकि हमारा विषय रेकी मोडालिटी नहीं, स्पर्श चिकित्सा नहीं, आज हम स्पर्श ध्यान के बारे में बात करेंगे। इसी क्रम में यदि स्पर्श ध्यान का सहारा लिया जाए अपने सामान्य जीवन में, सामान्य जिंदगी में, तो इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आइए हम जानते हैं क्या है स्पर्श ध्यान। दर्शक मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। यदि इनमें से किसी भी एक तत्व में विकार आ जाता है तो शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती है, मन बेचैन व उद्विग्न होने लगता है। ध्यान योग इन सभी तत्वों को एकीकृत करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम स्पर्श ध्यान की बात कर रहे हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर हमने एक हस्त का इमेजेस आपके समक्ष रखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ध्यान की मदद में इनके आने वाले विकार को दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मन में विचार उठता है कि ध्यान आखिर है क्या? इसका सीधा सा उत्तर है कि किसी विचार या वस्तु पर अपना मन या चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान लगाना होता है। वह किसी भी बातें ध्यान पूर्वक सुनने के रूप में भी हो सकता है, या किसी को एकटक सीधी नजरों से देखना, या ध्यान से गाड़ी चलाना, आपका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, आप देख कहाँ रहे हैं, इसे भी ध्यान की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन जब इसमें आध्यात्मिकता का पुट जुड़ जाता है तो यह अत्यधिक विस्तृत और गहन हो जाता है। मनुष्य की सामान्य चेतना उसके अवचेतन मन से जुड़ जाती है, जो उसको परम शांति, परम शक्ति की ओर आकर्षित करती है और उसे अविश्वसनीय
तौर पर नई शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति मनुष्य को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती है। दर्शक मित्रों, आइए हम ध्यान की अवस्थाएं के बारे में जानते हैं। अनेक मनोविकार दूर होना प्रारंभ होते हैं, वे निकलते ही दो ही दिन के बाद व्यक्ति स्वयं को हल्का अनुभव करने लगता है। व्यक्ति को किसी ऊर्जा की आवश्यकता है तो उतनी ही शक्ति साधक उसे प्रदान करता है। अब ध्यान की अवस्थाएं में आपको कुछ बातें आपको जानना यह जरूरी है कि देखिए, ध्यान के कई सारे स्टेज हो सकते हैं, कई सारी अवस्थाएं हो सकती है। इनकी अवस्थाएं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। हालांकि ध्यान को हम कई प्रकार से करेंगे, कई तरीके से करेंगे, लेकिन जो स्पर्श ध्यान की विधि हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, वह ध्यान की विधि थोड़ा सा अनूठा सा है, अनोखा है, थोड़ा हटके है। वो हम ध्यान विधि की वीडियो हम अगला वीडियो डालेंगे, लेकिन आइए आज के क्रम में हम स्पर्श ध्यान के लाभ के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, स्पर्श ध्यान के लाभ, मस्तिष्क की शक्ति को इस ध्यान की सहायता से कई गुना बढ़ाया जा सकता है और जीवन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान से तनाव ही नहीं, पीठ का दर्द, लकवा, मांसपेशियां का खिंचाव, मधुमेह व अस्थमा जैसे रोगों का उपचार भी संभव है। यदास्त बढ़ाने, मन मस्तिष्क को एकाग्र करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आज के प्रतिस्पर्धा वातावरण में दबावों का सामना करने के लिए इस ध्यान की शक्ति महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है। मनुष्य की स्पर्श चिकित्सा से मानसिक संतुलन बना रहता है, मन शांत हो जाता है तथा नकारात्मक भावना से मुक्ति मिल जाती है। स्पर्श चिकित्सा से आत्मसंतुलन बढ़ता है। ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति को सही या गलत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। स्पर्श चिकित्सा से किसी भी चीज़ को की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी शुभ काम निर्विघ्न संपन्न किया जा सकता है। कई बार शक्तिहीन वस्तुओं पर भी स्पर्श चिकित्सा काम करती है। अपनी नौकरी, पढ़ाई, व्यवसाय, अन्य किसी भी अच्छी भावनाओं को स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। स्पर्श चिकित्सा के जरिए हम सिचुएशन, अपने कंडीशन, अपने मानसिक स्थिति को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ स्पर्श चिकित्सा के जरिए, स्पर्श ध्यान के जरिए हमारे मस्तिष्क में जो डर बना हुआ है, हमारे अंदर जो फियर है, हम अगर स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, हमें एंग्जाइटी है या फिर हमें कोई फोबिया है या फिर हम ज़्यादा क्रोध करते हैं, यानी कि अन्य प्रकार के, यानी कि कह सकते हैं टोटली मात्रा में आपका पूरा का पूरा मेंटल हेल्थ के लिए वरदान है। दर्शक मित्रों, आज आपने जाना स्पर्श ध्यान कर सकती है सारी मुश्किलें आसान। आइए हमारे साथ लगातार बने रहें, हम अगला वीडियो आपके साथ स्पर्श ध्यान लेकर के आएंगे और उस ध्यान को करें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।